सूरत शहेरना कापड़ मार्केटने फोस्टानी चूंटणी योजावानी छे, जेना उपलक्ष्य में सूरत शहेरना वेसु विस्तार में आवेल कैपिटल ग्रीन सोसायटी में विकास पेनलना 41 जेटला उम्मेदवारों ने समर्थन आपवा माटे समग्र सूरत शहेरना जैन समाज द्वारा चारे पंथोना लोको एकठा थईने विकास पेनल ने समर्थन आप्युं हतुं। मोटी संख्या में चारे पंथना जैन समाजना लोको उपस्थित रह्या हता। आ अवसरे विकास पेनलना 41 उम्मेदवारों हाजर रह्या हता। विकास पेनलनो प्रमुख चेहरो कैलाश हाकिमनुं फूलोनी वर्षा साथे स्वागत करवामां आव्युं। मैं संजय अग्रवाल बोल रहा हूँ। ऐसा है कि फोस्टा के 2023 के चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं, जिसका कि मतदान कल रखा गया है रविवार को 8 तारीख को। तो पिछले एक महीने से बाज़ार में टेक्सटाइल मार्केट में काफ़ी गहमा गहमी थी और एकता पैनल और विकास पैनल के बीच में काफ़ी जमकर संघर्ष प्रतीत हो रहा था। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, तो जो व्यापारी विकास मंच है जो कैलाश जी हकीम के नेतृत्व में अपना एक चुनाव लड़ रहा है 41 उम्मीदवारों के मंच के साथ में, तो मुझे लगता है कि अब लगभग एक तरफा सा ये मुकाबला हो गया है। और आज कैपिटल ग्रीन सोसाइटी में समस्त जैन समाज की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें करीब करीब 900 व्यापारियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। पिछले 3 घंटे ये प्रोग्राम चला है और शहर के प्रबुद्ध जितने भी व्यापारीगण हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सभी ने इसमें शिरकत की है। और आज जिस तरह से कैलाश जी हकीम और उनके पूरे 41 लोगों की टीम को प्रचंड बहुमत की जिस तरह से अश्योरेंस मिली है सारे व्यापारी भाइयों की तरफ से, मुझे और किसी को भी ये कोई संशय नहीं है कि उनके शानदार जीत में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। मेरे साथ राजू जी ओरडिया भी हैं, ये भी एक उम्मीदवार हैं, हमारे कैपिटल ग्रीन के ही हैं और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं। बहुत ही इसी तरह के 41 पूरे के पूरे हीरे हैं। हमारे बीच में राकेश भाई भी साथ में हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आज के इस शानदार प्रोग्राम में मैं मान के चलता हूँ कि सूरत के टेक्सटाइल जगत को एक बहुत बड़ा मंच मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा व्यापारी संगठन यहाँ पर उभर रहा है। ये एक आयोजन आज का किया गया।